काल परी, आप ठीक तो है ना? अब हम ठीक है रानी परी, लेकिन परी लोक पर जो विपदा आई है उससे हम कैसे निपटेंगे रानी परी? काल परी, महाविनाशनी को पलट कर जवाब देने के लिए हमें कोई योजना बनानी होगी, लेकिन लेकिन उसके लिए हमें हमें थोड़ा समय चाहिए। रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज बालवीर को हमारे पास भेज दीजिए, नहीं तो बुराई सच्चाई और अच्छाई पर हावी हो जाएगी। रानी परी, आप सुन रही है ना रानी परी? बालवीर लौट आओ, बालवीर लौट आओ, बालवीर लौट आओ, बालवीर लौट आओ। बच्चों, अब बालवीर वापस लौटकर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो बहुत दूर जा चुके हैं और हमने हमने अपने ही हाथों से बालवीर की सारी शक्तियां उनसे छीन ली हैं। बालवीर, हम खुद भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि परिलोक की सुरक्षा के लिए हमें अपनी शक्तियों को भी त्यागना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो महाविनाशनी को हमारे स्थान के बारे में पता चल जाएगा। अब इस संकट की घड़ी में सच्चाई और अच्छाई को अब कोई चमत्कार ही बचा सकता है। ये कैसी ध्वनि है? ये क्या हो रहा है? मुझे सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रही है? महाविनाशनी, जब जब रानी परी परिलोक छोड़कर जाती है तब उनके द्वारा लगाए गए सुरक्षा कवच में से कुछ ऐसे कण हवा में फैल जाते हैं जिससे परिलोक की हवा और भी ज्यादा शुद्ध हो जाती है, इतनी शुद्ध कि कोई भी बुरी शक्ति परिलोक की हवा में ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकती। अब बहुत ही जल्द तुम भी इन हवाओं में घुट घुट कर मर जाओगी। इतना प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली मैं। अगर मैं यहां रहकर राज नहीं कर सकती तो मैं तुम सबको अपने लोक ले जाऊंगी, विनाश लोक। क्योंकि तुम सब मेरे सेवक हो। परियों को बंदी बनाकर और रानी परी भी चली गई, कहीं होगा क्या? परिलोक का करेगा कौन मदद तब परियों के? बालवीर, मेरे भीतर बालवीर, उठना पड़ेगा तुम्हें और आना पड़ेगा तुम्हें मृत्यु के मुख से लौटकर। है आज सच्चाई को बालवीर की आवश्यकता। दोस्तों, इस तरह से रोने से कुछ नहीं होगा, हमारे पास अभी भी टाइम है पेंटिंग्स बना के सबमिट करने के लिए। देखो, अगर हम जल्दी जल्दी पेंटिंग्स बनाएं और सबमिट करें तो कैसे उस मोंटू के होश उड़ते हैं। चलो हम जल्दी से पेंटिंग्स बनाते, देखना फिर वो मोंटू। वाओ मेहर वाओ, क्या मोटिवेशन स्पीच दी है तुमने। गुड गुड।
वैसे भी इन दीदियों को मोटिवेशन की स्पीच की जरूरत थी, क्योंकि कंपटीशन में सिलेक्ट सिर्फ मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी ही होगा। पूछोगे नहीं कैसे? कैसे मैं कंपटीशन में क्वालिफाई हो जाऊं, इसके लिए मेरे पापा ने इस एरिया के सबसे फेमस पेंटर से मेले पेंटिंग बनाई है, और फाइनल में मैं जीत जाऊं इसके लिए स्टेट के सबसे फेमस पेंटर्स मेरे लिए पेंटिंग बनाएंगे। क्या? मुंडू बॉस, तू तो इन पिद्दियों की मेहनत वेस्ट जाएगी। हाँ, वो तो होना ही है। लेकिन ये तो चीटिंग है। हाँ, ये तो चीटिंग है। हाँ, ये तो चीटिंग। चुप। चीटिंग, चीटिंग तो हाँ। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी चीटिंग करके ही सारी कॉम्पिटिशन जीतता है। फिर अब क्या करें? देख मोंटू, तू चाहे कितनी भी चीटिंग कर ले, लेकिन जीत हमारी होगी, क्योंकि हम सच्चे हैं और सच झूठ से कभी नहीं हारता। दोस्तों, अच्छी से अच्छी पेंटिंग बनाओ ताकि हम इस मोंटू को टफ कॉम्पिटिशन दे सके। एक बार हम कॉम्पिटिशन में क्वालिफाई हो गए तो जीत भी हमारी होगी। मोंटू बॉस, पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से जब तक मैं क्वालिफाई हुई तब तक आपकी बैंड बजी है। क्वालिफाई होगी तब ना, अब मैं इन पिद्दियों को क्वालिफाई होने दूंगा ही नहीं। अभी तो बस मैंने तुम्हारी पेंटिंग्स खराब की है, पर अब मैं तुम्हारा कलरिंग किट भी खराब करूंगा। नहीं मोंटू, तू ऐसा नहीं करेगा। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी ऐसा करेगा, जिसमें भी हिम्मत है ना उसे आके रोक ले। देखिए गालपरी, मोंटू की शरारतें कितनी बढ़ गई, इन्हें तो हम अभी सबक सिखाते हैं। ये आपने क्या किया रानी परी? इस तरह शक्तियों का इस्तेमाल करना संकट को आमंत्रण देने समान है। परी डर गई इस श्री श्री तोबा तोबा जी के डर से? क्यों डराओ? अब डराओ? वो क्या क्या आ गया की पूछा? अच्छाई को अच्छाई के बिना चैन नहीं मिलता। देखो परियो, देखो, तुम्हारी रानी परी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और मुझे उसके ठिकाने का पता चल गया।
तुम्हें क्या लगा तुम्हारी रानी परी भाग जाएगी? वहां देखो, मेरी मंजिल मुझे खुद पुकार रही है। वाह 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 विनाशिनी वाह, हो आप सचमुच सच्चाई की विनाशक। कर नहीं पाई आज तक जो कोई बुरी परी, कर दिखाया आज वो आपने। वाह हो आप सचमुच महान। वाह विनाशिनी की जय हो, वाह विनाशिनी की जय हो, महाविनाशिनी। है चली गई। श्री श्री तोबा तोबा जी की जय हो। बोलो बोलो। अरे मन में नहीं मुंह से बोलो। नहीं कोई बात है, वो मैं ही बोलता। श्री श्री तोबा तोबा जी की जय हो। जय हो जय हो जय हो। बालवीर मित्र, उठो मित्र, उठो मित्र, मित्र उठो ना। बालवीर बालवीर उठो ना। बालवीर मित्र, मित्र देखो देखो लौट आया तुम्हारा मित्र डुबा डुबा एक। देखो आंखें खोलकर देखो ना, देखो। चल गया मुझे पता हुआ है तुम्हारे साथ बहुत अन्याय। मिली तुम्हें उस अपराध की सजा जो तुमने किया ही नहीं। लेकिन मित्र आज हमारा परिलोक भयानक संकट में, हंसता खेलता हमारा परिलोक हो गया सुनसान। मित्र आज सच्चाई संकट में और हो निकाल सकते तुम ही उसे ही संकट से बाहर। मित्र उठो उठो ना मित्र उठो। देखो देखो है तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता, उठना पड़ेगा तुम्हें। उठो चलो उठो उठो उठो, है तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता, उठना पड़ेगा तुम्हें। उठो मित्र के साथ अन्याय। यही नहीं जो गलती उसने मिल नहीं सकती उसे उसकी सजा। अगर अगर है बचा परिलोक में सच्चाई का जरा सा अंश भी तो होना चाहिए मेरे मित्र के साथ न्याय होना चाहिए। मेरा मित्र फिर से जीवित होना चाहिए। मेरा मित्र फिर से जीवित होना चाहिए। मेरा मित्र फिर से जीवित।
मैं यहाँ हूँ डुबा डुबाई, खुश रहो बच्चों, खुश रहो बच्चों। भावनगर गुजरात से ध्रुविन शाह, महाराष्ट्र से मुबिन कादरी, गुड़गांव हरियाणा से निकिता गोगिया, कर्नाटका से सुरेश कीर्थाना, फगवाड़ा पंजाब से अभिषेक मित्तल और पलवाना हरियाणा से मयंक सिंह हमें लिखकर भेजते हैं कि ये किस तरह कूड़े को कभी भी इधर उधर नहीं फेंकते और हमेशा कूड़े दान में डालते हैं, हमेशा अपने आसपास सफाई रखते हैं और स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान देते हैं। शाबाश बच्चों, आपके इसी अच्छे कार्य के लिए आप सभी को मिलता है मैं भी बाल भी बैंड। अब वक्त आ गया है आज के खास पत्र का। प्यारे बच्चों, तो ये है आज का खास पत्र जिसे हमें लिखकर भेजा है लवेश ने मुंबई से। ये अपने पत्र में लिखते हैं कि इनकी कक्षा में एक गरीब बच्चा है जिसके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी। इन्होंने अपने पिताजी से कहकर उस बच्चे को नई किताबें दिलवाई। शाबाश लवेश, हमें आप पर गर्व है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।